आई नीड योर अटेंशन, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। अब जो एक वर्ड फ्लूइड आता है ना, नॉर्मली लोगों के दिमाग में सिर्फ लिक्विड आता है, लेकिन गैस इटसेल्फ इज अ फ्लूइड। रिमेंबर दिस थिंग, ये बात समझ में आ गई, जो भी चीज़ फ्लो कर रही होगी तो वो फ्लूइड होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेंसिटी है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये अगर नहीं पता तो बेटे ओ लेवल्स में रीएडमिशन ले लेना। अब जरा इधर देखो, At 20 degrees Celsius, a child's balloon filled with helium is a sphere with a radius of 20 centimeter. Be careful, यहाँ पर radius given है, मैं लिख भी देता हूँ, radius 20 centimeter है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 meters, यहाँ तक भी पहुँच गए। फिर मुझे कहता है the mass of the helium in the balloon is 6 grams, यानी जो मास हमारे पास गिवन है वो 6 ग्राम्स गिवन है, बट बी केयरफुल, वी विल नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू केजीस, यानी हम लोग इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10^-3 kg भी इसको लिख सकते हैं, ये हटाई देता हूं मैं इधर से। इज दैट क्लियर, यहां तक भी पहुंच गए, मास भी आ गया, लेकिन हमारे पास इधर रेडियस गिवन है, बी केयरफुल। व्हाट इज द डेंसिटी, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 πr³ के बराबर होता है, यानी आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो, मैं इसको डायरेक्टली इधर ही लिख रहा हूं, तो 6×10^-3 आ जाएगा, और आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4/3 π रेडियस 0.2 का क्यूब इधर लगाया, और आप मुझे इसकी डेंसिटी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, 0.17। वेल मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 1.8 कर दूं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक चीज इस सवाल को कराने का आपको लगेगा कि सर इतना आसान सवाल, वो भी ए लेवल्स में, बट देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब जरा सुन लो कि ये हमारे पास एक रफ और गिव और टेक, एक रफ वैल्यू ऑफ डेंसिटी हमारे पास आ रही है किसी गैस की, तो ये इसको भी अपने उसमें डाल दो, वो जो आपका क्या होता है वो एस्टिमेशन के डेटा में डाल दो, सही है। ये याद रखो कि कुछ कुछ सवाल अगर इजी भी है तो उसमें से काफी ज्यादा डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करके वी कैन यूज इट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पस, सही है। ये बात याद रखना है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आई एम कवरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिडन इंफॉर्मेशन सब में गिवन है, कुछ ना कुछ, यहां तक पहुंच गए। अच्छा अब जरा सुनो, अब मेन चीज ये है कि भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है अब थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कुछ लोग इसको डायरेक्टली आर्किमिडीज प्रिंसिपल से लेके जाते हैं, बट मैं इस तरीके से नहीं जाऊंगा, मैं डिफरेंट तरीके से जाऊंगा। जरा सुनो, अब जरा सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब थ्रस्ट क्या है भाई। आपको पता है कि आप कभी कोई चीज को पानी में डालते हो तो वो एकदम ऊपर की तरफ आ जाती है, दैट इज अप थ्रस्ट। अब वो अप थ्रस्ट एयर के अंदर भी होती है, बट द थिंग इज द अप थ्रस्ट इज एक्चुअली क्वाइट स्मॉल इन एयर, ठीक है। अब अप थ्रस्ट का ओरिजिन क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। अब जरा इधर देखो, लिसन, पहले समझ लो उसके बाद फिर आप छापना, प्लीज स्टॉप राइटिंग। जरा इधर देखो, मेरे पास एक सिलेंडर है आपके सामने, मैंने जो सिलेंडर प्लेस किया है, सिलेंडर का सबसे पहले एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, मैंने इसको सबमर्ज किया, पानी के अंदर डाला। अब इसके अंदर लाजमी एक अपथ्रस्ट आ रहा होगा, जरा सुनो, यहां पर मेरे पास डाउन करने पर इधर भी तो हमारे पास लिक्विड प्रेशर होगा। लिक्विड प्रेशर किसके बराबर होता है, HOG के बराबर होता है, ओ लेवल्स में करके आयो। सिमिलरली इधर मेरे पास ज्यादा लिक्विड प्रेशर होगा, ज्यादा डेप्थ पर ज्यादा होता है कि नहीं होता, इधर कम होगा इधर ज्यादा होगा। अब ये डिफरेंस इन द प्रेशर एट द टॉप सरफेस एंड द बॉटम सरफेस लीड्स टू अ फोर्स अपवर्ड्स विच इज द अपथ्रस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका ओरिजिन क्या है, तो बेटे चुपचाप यही जवाब यहां से लेकर यहां तक लिख लो। पहले आप जो है सिर्फ यहां से लेकर यहां तक डेफिनेशन कॉपी करो, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी डिटेल में ये कराता हूं कि कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नहीं अभी मैं जूम आउट नहीं करूँ, मैं सिर्फ इतना ही बस बोल रहा हूँ। अभी आप ये डेरिवेशन भी आप कॉपी नहीं करोगे, मेरे साथ करोगे आप। तो देखो, लिसन मेरे प्यारे बच्चे, फोन्स साइड पर जस्ट कॉन्सेंट्रेट।
अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली भाई, हमें एक चीज पता है, आपको ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए कि भाई प्रेशर इट्सेल्फ इज फोर्स पर यूनिट एरिया, होता है कि नहीं होता है। मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इसी वाली जो मेरे पास जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करके क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? मैं जब पूछूं हाँ या ना तो मुझे जवाब दोगे हाँ या ना सब लोग, ठीक है? याद है, क्लियर है? अच्छा अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमें एक चीज तो पता है, फ्रॉम डेफिनेशन इट इज द प्रेशर डिफरेंस, राइट? तो क्या मैं इस प्रेशर की जगह पर मैं चेंज इन प्रेशर लगा सकता हूं? लगा सकते हैं, सही है, यहां तक भी पहुंच गए। और फिर एफ अप थ्रस्ट, ये मैंने चेंज इन प्रेशर ही लिखा है, प्रेशर एट द बॉटम माइनस द प्रेशर एट द टॉप। भाई जो इधर होगा वही, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इधर प्रेशर ज्यादा होगा इधर कम होगा, अगर मुझे इनका प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों को माइनस करूंगा मैं। याद है बात समझ में आई? अभी तो कोई चेंजेस नहीं किए। अब जरा सुनो, फाइनली क्या ये जो प्रेशर डिफरेंस है, हमें पता है कि लिक्विड प्रेशर होता है H ρ g, मुझे पता है कि डेंसिटी और ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, हाइट का डिफरेंस हुआ। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच इंटू रो जी, लिख सकते हैं? अच्छा आप जरा इधर देखो, फाइनली हम यहां तक तो पहुंच गए, मैंने सिर्फ एक, मुझे इतना ही पता चला कि भाई इनमें हाइट का डिफरेंस था, उस हाइट डिफरेंस को भी मैंने इधर हाईलाइट कर दिया, यहां तक भी पहुंच गए। फिर मैंने जरा फिर एक और चीज रियलाइज करो कि अगर मैं इस एरिया को पकड़ूं, इस एरिया को, इस सिलेंडर के एरिया को इस डेल्टा एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। मैंने इसको यही लिख दिया इधर वॉल्यूम, यहां तक भी पहुंच गए। फिर फाइनली जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ अप थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी। इज दैट क्लियर? मैंने क्या किया था, इसकी जगह पर डेल्टा एच और ए की जगह पर वी सब्स्टिट्यूट किया है। कैन यू सी दैट? तो वॉल्यूम आ गया इधर। अब यहां तक अगर पहुंच गए तो एक और चीज जरा देखना कि मैंने इधर लिखा है वॉल्यूम, जो ये आया है ये किस चीज का वॉल्यूम आया होगा? ये लिक्विड का वॉल्यूम आया होगा जो कि डिस्प्लेस हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इस सिलेंडर को इसमें डालोगे तो ये पानी को हटाएगा साइड पर, डिस्प्लेस करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये वॉल्यूम उसका है। यहां तक भी पहुंच गए तो इसके अंदर जो डेंसिटी भी आ रही होगी वो लिक्विड की होगी। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, इधर ही मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर इस वॉल्यूम मेरे पास लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है, डेंसिटी भी लिक्विड की, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिकली मास इनटू ग्रेविटी किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है। यानी हमारे पास इनडायरेक्टली जाकर घूम फिर कर मेरे पास जाकर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बन गया कि एफ अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इज दैट क्लियर? दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ गए? इज दैट क्लियर? अब ये जरा सुन लो कि अगर किसी भी चीज का वेट अप थ्रस्ट से, मतलब ये जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस से ज्यादा होगा वो सिंक कर जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अब आप इस पूरी डेरिवेशन को एटलीस्ट अब यहां से लेकर यहां तक तो पहले फिलहाल कॉपी करो। सर, अप थ्रस्ट वेट से ज्यादा क्यों होगा?